आइए, आपका स्वागत है। मेरे कुछ नागपुर के पेशेंट्स और क्लाइंट्स, उनकी डिमांड थी कि नागपुर में विजिट आप करो करके, इसलिए मैं नागपुर विजिट के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मेरे नागपुर की विजिट होने वाली है 12 मई को। वहाँ हमारा हॉस्पिटल जो है केळकर हॉस्पिटल, वो सुभाष नगर रोड, मंगलमूर्ति चौक के पास, जयतारा रोड, अंबाधरी टैंक, अंबाधरी तालाब जो उसके पीछे वाले बाजू, वहाँ हमारा हॉस्पिटल है। वहाँ मैं आने वाला हूँ 12 मई इतवार संडे को। मैं सुबह 10 से 1 बजे तक वहाँ रहूँगा, जहाँ हमारे पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट्स वहाँ आ सकते हैं और वहाँ कंसल्टेशन और आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा पहले आप पता ही है कि आपको हमारे यहाँ लैंगिक समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इम्पोर्टेंस है मतलब नपुंसकत्व है, शीघ्र पतन है, इट्स प्री मैच्योर इजैकुलेशन, फिर एपिलेप्सी फिट्स के बारे में इलाज होता है, हेडेक्स है, माइग्रेन्स है, सब तरह की मानसिक बीमारियाँ, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, नर्वसनेस, होपलेसनेस, फिर हिस्टेरिकल फिट्स, फोबियाज, डर, अचानक डर लगना या पैनिक अटैक्स, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इलाज होता है। बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है जिसमें मंद बुद्धि की बीमारी है, मतलब बच्चा मंद बुद्धि का है, या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उछल पुछल करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है वो बच्चे है, या बच्चों की फिट्स है, या बच्चों ने मानना नहीं, बहुत धूमधाम करना, बच्चों की डिसऑर्डर है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों का, तो उसके बारे में भी इलाज या काउंसिलिंग हम पेरेंट्स को करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ अफीम, मॉर्फिन या ब्राउन शुगर, गर्द, डोडा, ये जो ओपियम रिलेटेड जो नशा है उसका इलाज और उसकी दवाइयाँ स्पेशली काफ़ी उपलब्ध, काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, अच्छी दवाई उपलब्ध है जिसका इलाज हम कर सकते हैं। वैसे ही गांजा, चरस, हशीश, इसका भी इलाज होते रहता है। शराब की जिनको आदत है उनको दाखिल करने की व्यवस्था है और उनके लिए दवाई भी उपलब्ध है कि जो दवाई देने से उनको रिएक्शन आती है, मतलब शराब पिए तो, और वो शराब अपनी छोड़ देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आप पेशेंट को दाखिल कर सकते हैं और दाखिल करके उनका इलाज कर सकते हैं। यदि पेशेंट के साथ में यदि लोग रहना नहीं चाहते हैं, रिलेटिव्स, तो बिना रिलेटिव्स के भी पेशेंट को आप हमारे नागपुर हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। तो वहाँ काउंसलिंग भी होता है, बच्चों का काउंसलिंग, माँ बाप का काउंसलिंग, वे आगे चल के करना क्या है, डिप्रेशन के बारे में लोग पूछते रहते हैं, फिर पति पत्नी का संघर्ष है, फिर लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता और टाइम का बहुत प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो उसके बारे में काउंसलिंग, तो काफ़ी सारे काउंसलिंग भी हम वहाँ करते हैं। हमारा जो अकोला का हॉस्पिटल है, अकोला के हॉस्पिटल में कभी भी हम वहाँ उपलब्ध रहते हैं और वहाँ भी रिलेटिव्स के साथ में भर्ती करते हैं, रिलेटिव्स के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज हम करते रहते हैं। तो ज़रूर आइएगा संडे 12th में, 12 मई इतवार के दिन सुबह 10 से 1 हमारा जो हॉस्पिटल है, इसका पता मैंने यहाँ दिया हुआ है, इसमें ज़रूर आइएगा, हम वहाँ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।